हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम कोचरण बॉयलर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो कैसे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले कोचरण बॉयलर जो है वो कैसा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है और वर्टिकल बॉयलर है और वो मल्टी ट्यूब बॉयलर है। तो पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो कोचरण बॉयलर जो है, शुरू करते हैं नीचे से। ये जो पोर्शन है, ये वही पोर्शन क्या है, उसकी फर्नेस है, जहां से कॉल जो होता है उसको ग्रेट के ऊपर कंबशन किया जाता है और उसमें जो फ्लू गैसेस निकलते हैं वो फ्लू गैसेस ये जो लाइन के जरिए, ये ट्यूब जो है उसके जरिए उसको इस जो ट्यूब में से पास होते हैं और उसके बाद वो फ्लू गैसेस यहां से कंबशन चैम्बर में से, स्मोक बॉक्स में से, यहां से चिमनी में से बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी चीज, यहां से उसके आसपास क्या होता है, वाटर होता है और वो वाटर जो है ये फ्लू गैसेस के जो ट्यूब में जो फ्लू गैसेस है उसके कांटेक्ट में आता है और उसकी स्टीम बनती है और स्टीम बनने के बाद उसको बाहर टरबाइन में सप्लाई किया जाता है। अब इसको, इसका जो शेप जो है वो वर्टिकल टाइप है, इसके लिए हम इसको वर्टिकल बॉयलर बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कोचरण बॉयलर के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में भी देख लेते हैं। पहला चीज है वो है शेल, यानी बॉयलर का जो ड्रम जो होता है उसका, उसको हम मेटल का बना हुआ होता है, उसको हम शेल बोलते हैं। दूसरा है ग्रेट, ग्रेट यानी जो जाली जाली जैसा होता है, यानी लोहे के जो सरिये जो होते हैं उसमें अलग अलग जो कॉल जो होता है उसको कंबशन किए ने के जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम ग्रेट बोलते हैं। कंबशन चैम्बर यानी ये फर्नेस का जो बॉक्स है उसको हम कंबशन चैम्बर बोलते हैं। फायर ट्यूब यानी जो ये जो फ्लू गैसेस जिस ट्यूब में से पास होते हैं वो सारी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बोलते हैं। फायर होल यानी उसको कंबशन होने के लिए फर्नेस में उसको एयर सप्लाई करनी पड़ती है, तो एयर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक होल दिया जाता है उसको हम फायर होल बोलते हैं। ओके, फायर बॉक्स यानी ये फर्नेस उसको ही, उसी को हम फायर बॉक्स बोलते हैं। चिमनी यानी जो फ्लू गैसेस यहां से ट्यूब में से पास होने के बाद यहाँ पे स्मोक बॉक्स में से एटमोस्फियर में जो गैसेस एग्जोस्ट सप्लाई करने के लिए यहाँ जो ये जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं चिमनी बोलते हैं। दूसरा मैन होल होता है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर उसके जो ड्रम है उसके ऊपर मैन होल लगाया होता है। मैन होल का फंक्शन क्या है, तो मैन होल से बॉयलर के अंदर कोई मेंटेनेंस करना हो तो वहां से कोई एक इंसान जो अंदर जाके उसका मेंटेनेंस कर सके, इसके लिए उसके मैन होल लगाया होता है। फ्लू पाइप यानी जो फ्लू गैसेस पास होने के लिए जो पाइप उसको फ्लू पाइप बोलते हैं। ओके, फायर ब्रिक लाइनिंग यानी जो अंदर की जो हीट रेजिस्टेंस, अंदर की हीट बाहर ना चली जाए इसके लिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपका वो यानी फायर ब्रिक की लाइनिंग की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है फीड चेक वाल। तो यहां से बॉयलर के अंदर नीचे फीड चेक वाल लगाया होता है, बॉयलर के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए ये फीड चेक वाल काम आता है। ब्लो ऑफ कॉक भी यहां से नीचे बॉयलर के नीचे ही लगाया होता है, जिसका फंक्शन क्या है, बॉयलर में से पानी को बाहर निकालना हो, बॉयलर को खाली करना हो तब ब्लो ऑफ कॉक वर्क करता है। उसके बाद एस पीट का फंक्शन क्या है, जो बॉयलर या जो फर्नेस में जो कॉल का जो कंबशन होने के बाद जो एस निकल दिए वो एस नीचे यहाँ पे स्टोर होती है, वहां से उसको बाहर ले जाया जाता है। दूसरा है स्मोक बॉक्स, तो यहां पे जो दिख रहा है इसको हम स्मोक बॉक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है एंटी प्राइमिंग पाइप, तो यहां से जो बाहर जो स्टीम ले जानी है तो उससे पहले यहां से एक ये जो दिख रहा है इसको एंटी प्राइमिंग पाइप बोलते हैं। तो एंटी प्राइमिंग पाइप का फंक्शन क्या है, एंटी प्राइमिंग पाइप जो है वो क्या करता है, वो जो स्टीम है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर को वहीं से उसको रिमूव करने के लिए, हम अगर मॉइस्चराइज स्टीम टर्बाइन में जाएंगे तो उसका कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो स्टीम के अंदर जो वाटर पार्टिकल उसको रिमूव करने के लिए ये एंटी प्राइमिंग पाइप यहाँ पे लगाई होती है। दूसरा है क्राउन, ये जो शेप दिख रहा है उसको हम क्राउन बोलते हैं। और प्रेशर गेज, जो बॉयलर के अंदर का जो स्टीम का प्रेशर मेजर करते हैं उसको यहाँ पे लगाया जाता है। सेफ्टी वाल जो है उसको भी ऊपर, बॉयलर का जो प्रेशर बढ़ जाए तो एक्सेस स्टीम है बाहर निकल जाएगी और उसको प्रेशर को कंट्रोल कर देगी। नेक्स्ट है वाटर लेवल, वाटर लेवल गेज यानी वाटर लेवल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अगेन, तो वाटर लेवल इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कितना है वो मेजर करता है
और नेक्स्ट है प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज का फंक्शन क्या है, बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर मेजर कर दे, उसको भी ऊपर लगाया जाता है। फ्यूजिबल प्लग, उसको भी यहां पे लगाया जाता है। अगर बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, ये जो ट्यूब है वो ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका ओवर रीडिंग होगा। तो उसको ओवर रीडिंग होगा तब क्या होगा, ये फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाएगा और वहां से उसमें से विसल स्टीम बाहर निकलने लगी और विसल बजने लगेगी, जिससे क्या होता है, जिससे ऑपरेटर को पता चलेगा कि भाई इसके अंदर पानी कम हो गया और बॉयलर का एक्सीडेंट होने से बचाता है। नेक्स्ट है स्टीम स्टॉप वाल्व। तो स्टीम स्टॉप वाल्व का फंक्शन भी मैंने बताया, अगर बॉयलर में से स्टीम को बाहर सप्लाई करना हो तो उसके लिए हम स्टीम स्टॉप वाल्व यूज करते हैं। उसके कुछ एडवांटेज है, वो इस तरीके से कि उसको जो स्पेस चाहिए, लो फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट यानी जो स्टार्टिंग की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम है, इजी टू ऑपरेट, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज अ वेरी इजी, इट हैज अ हाई वॉल्यूम टू एरिया रेशियो। और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लो स्टीम जनरेशन रेट, लिमिटेड प्रेशर हैंडल कैपेसिटी एंड इट इज डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट एंड मेंटेन। तो दोस्तों ये था पूरा कॉचरण बॉयलर के बारे में। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।